एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे हम यस और नो डेटा टाइप जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसके ऊपर उसको क्वेरी में कैसे शामिल कर सकते हैं। बहुत ही छोटा प्रयोग उसका करके मैं दिखा रहा हूं। देख सकते हैं यहां पर ये इस तरह से कुछ प्रयोग होगा। इसको मैं एक न्यू डेटाबेस ले लेता हूं और आपको करके दिखाता हूं। यहां से आप देखिए यहां पर दो व्यू आपको दिखाई पड़ेंगे, एक डिजाइन व्यू, एक डेटा शीट व्यू। हमें डिजाइन व्यू पे जाना है और यहां से एंटर प्रेस करना है। तो ये इस तरह से हम यहां पर आ जाएंगे और अब हमें सपोज कीजिए यहां पर लिख लेना है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो यहां पे कर दिया हमने स्टूडेंट आईडी और इसे रख लेता हूं मैं ऑटो नंबर। उसके बाद से फिर यहां पे स्टूडेंट का नेम लिख लेता हूं, ये लिख लिया हमने स्टूडेंट नेम और इसे शॉर्ट टेक्स्ट रख लेता हूं और यहां पर अटेंडेंस कर लेता हूं, अटेंडेंस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया और अब यहां पर हम डेटा टाइप जो चूज करने वाले हैं वो है यस और नो डेटा टाइप, ठीक है। इसको हम चूज करेंगे, ये चूज कर लिया हमने और यहां से इस पर क्लिक कर देंगे व्यू पर और ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर आएंगे स्टूडेंट के नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने राम, फिर यहां पर लिख दिया श्याम, यहां पर लिख दिया अभी, यहां पर लिख दिया आदि, यहां पे लिख दिया शिवम, यहां पे लिख दिया राजू, यहां पे लिख दिया हिना, यहां पे लिख दिया जावेद। तो ये कुछ नाम हमने एंटर कर लिए हैं, ठीक है। अब इस पे मैं टिक कर देता हूं, जैसे राम पे टिक कर दिया, अभी पे टिक कर दिया, आदि पे टिक कर दिया, हिना पे टिक कर दिया, ठीक है, जावेद पे टिक कर दिया। इस तरह से कुछ नामों पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। अब इसकी क्वेरी एक हम इसका यूज कैसे समझेंगे, देखिए अटेंडेंस शीट बनाते समय इसका यूज आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है तो इसमें मैं आपको इसका यूज दिखाता हूं। जैसे क्रिएट पे चलते हैं और आते हैं कहां, क्वेरी डिजाइन पे। ये क्वेरी डिजाइन पे आ गए और ये टेबल वन जो है इसे हम ऐड करवा लेते हैं, करवा लिया। अब यहां से डबल क्लिक करता हूं, इन सारे फील्ड्स को हम यहां ले लेते हैं। आप चाहे तो एक फील्ड भी ले सकते हैं, हमें सिर्फ अटेंडेंस इसी फील्ड की जरूरत है, फिलहाल मैंने सारा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर टिक करना, टिक करने का मतलब है यस, और अगर टिक नहीं किया तो उसका मतलब है नो। तो अगर हम इसमें नो फील्ड को सर्च करें, नो, मैंने यहां क्या लिखा है, नो लिखा है, ठीक है, नाउ नहीं लिखा है, नो लिखा है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। यहां से रन पे कर देता हूं क्लिक। तो जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी 2567, ये जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारे पास आई हुई है, ठीक है। ये हो गई पहली क्वेरी हमारी, इसको सेव कर लेता हूं और अब यहां पर दूसरी क्वेरी बनाते हैं। यहां से चलते हैं वापस और क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और यहां से इसे ऐड करवा लेते हैं। ऐड करवाने के बाद यहां पर सारी सब फील्ड्स को ले सकते हैं, तो यहां पे पूरी हर एक फील्ड को ले लेते हैं। यहां से इसको खींच करके यहां पर लेके आएंगे, ये हमने पकड़ा यहां से और इसको यहां पर ले आके छोड़ दिया। अब यहां पर अटेंडेंस वाली फील्ड में आकर के इस बार मैं टाइप करता हूं यस, ठीक है। जैसे ही यस टाइप करेंगे और यहां रन पर क्लिक करेंगे तो यस वाली फील्ड जिन पर टिक है केवल वही नाम आपके सामने आएंगे। तो ये दो क्वेरी हमने बना ली और दोनों क्वेरीज में आपने देखा कि ये टिक करना यस और नो डेटा टाइप का क्या मतलब होता है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा यूज तो ये भी है। चलिए आगे अटेंडेंस शीट जब हम डिजाइन करेंगे तो इसका पूरा विस्तृत यूज सीखेंगे। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।